हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौविक में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप प्राइवेट कंपनी में जॉब पा सकते हैं। यहाँ पे मैं इस वीडियो में जिस प्राइवेट कंपनी के बात कर रहा हूँ वो है डी मार्ट के। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं डी मार्ट एक बहुत बढ़िया एक कंपनी है ऑल ओवर इंडिया में। तो दोस्तों, मैं इसका डिटेल्स में बताऊँगा किस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन में जाके किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं आपका रिज्यूम, इसके अलावा आप किस तरह से यहाँ पर जॉब पा सकते हैं उसका भी डिटेल मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं डीमार्ट के जो ऑफिशियल पेज है मैं उसको ओपन कर चुका हूँ। इसमें मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या पोस्ट निकला हुआ है। तो दोस्तों, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग उस लिंक को क्लिक करके इजीली इस पेज में आ सकते हैं। इस पेज में आने के बाद आप लोग इस तरह से कुछ पेज आप लोगों के सामने आएगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं एरिया, तो इस पेज में आप लोग देख सकते हैं हर एक जो पोस्ट है उसका डिटेल यहाँ पे चलाया है। तो जो पहला पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है एरिया मैनेजर डीसी ऑपरेशन के लिए, उसके बाद दोस्तों जो पोस्ट है यहाँ पे निकला हुआ है असिस्टेंट जनरल मैनेजर डिप्यूटी जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट के लिए, एंड उसके बाद जो पोस्ट यहाँ पे निकला है असिस्टेंट मैनेजर डिप्यूटी मैनेजर MEP के लिए, उसके बाद मेंटेनेंस हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव के पोस्ट निकला हुआ है, उसके बाद मैनेजर प्रोजेक्ट के लिए पोस्ट निकला हुआ है मैनेजर कैटेगरी लगेज के लिए, मैनेजर IT SAP FIA AMRTRM लीडर के लिए भी पोस्ट निकला हुआ है, सीनियर मैनेजर मेंटेनेंस के लिए पोस्ट निकला है, एंड स्टोर मैनेजर के लिए भी पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो कि पोस्ट निकला हुआ है। तो इसमें से अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए आपको लगता है कि इस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन करना चाहेंगे तो आप लोग उस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा एप्लीकेशन किस तरह से करना है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन करने के लिए पहले आपको यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं उस पोस्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। उस पोस्ट के लिए ऊपर क्लिक करने के लिए उसका जो डिटेल है आप लोगों के सामने चला आएगा इस तरह से। तो दोस्तों, देख सकते हैं एरिया मैनेजर DC ऑपरेशन के लिए पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ है, जिसका जॉब कोड है 1, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस जो है 10 to 15 ईयर्स की एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर चाहिए, उसके साथ रिपोर्टिंग टू GMDC ऑपरेशन, इंडस्ट्री प्रेफर्ड जो कि है वेयरहाउस हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक के लिए, एंड जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है हैंडल मल्टीपल डिसीज, इंश्योर ऑल द पर्पसेस आर फॉलोड फॉर टाइमिंगली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ DC अकॉर्डेट रिसीविंग पिकिंग शॉर्टिंग GRN लोडिंग एट्सेट्रा शुड बी सिस्टम सेवी एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैंडलिंग SAP WMS टू इंश्योर टू टोटल कॉन्टिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट। तो दोस्तों, यहाँ पे जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है, इसके साथ साथ इस जॉब के जो लोकेशन रहेगा आपका हैदराबाद में, जॉब लोकेशन यहाँ पे हैदराबाद रहेगा, और इसका जो लास्ट डेट है यहाँ पे 3 मार्च 2017 यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जॉब के लिए अभी एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ में क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक पेज आएगा, जिस फॉर्म दिया जाएगा, जिस फॉर्म को आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एंड आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस, आपका स्टेट, सिटी, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे SSC HSC एंड अंडर ग्रेजुएट अगर है तो आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है आपको यहाँ पे भी उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कोई भी यहाँ पे अगर आप कोई भी कंपनी में काम कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप यहाँ पे वो डिटेल दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं भी दे सकते। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो रिज्यूम है आपको यहाँ पे अटैच करके एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका जो फॉर्म है फिलअप कर सकते, फिलअप करके आप सबमिट कर सकते। इस तरह से बहुत सारे और भी पोस्ट निकला हुआ है, आप सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर करना मत।